नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एसएससी सीजीएल से रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स और कॉस्ट से रिलेटेड चैप्टर। जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे कि डिमांड है, प्रोडक्शन है, कई चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एसएससी सीजीएल की इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, किसी फर्म के आसपास घूमती है, फर्म से रिलेटेड माइक्रो फैक्टर्स, जैसे कि फर्म को प्रभावित करते हैं डिमांड एंड सप्लाई आप बोल सकते हैं, उसको प्रभावित करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन, कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, ये सब फंक्शंस होंगे जिससे कि फर्म है वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम करेगी। तो इस चैप्टर में, इस प्रेजेंटेशन में हम लोग कॉस्ट के बारे में जानकारी लेंगे, कॉस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी रिलेटेड है इकोनॉमिक्स में। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज इन हिंदी मीडियम। दोज स्टूडेंट हु वांट वॉच प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश मीडियम, देयर इज अनदर प्रेजेंटेशन व्हिच इज टोटली इन इंग्लिश मीडियम, एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम, that presentation, but this presentation in Hindi medium. Let's do that. अब आता है टाइप ऑफ कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी कॉस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है, उनकी टाइप को कैसे डिफाइन किया गया है, तो देखेंगे। जब इसकी डेफिनेशन देखेंगे इकोनॉमिक हर टाइप की कॉस्ट की, तो हमें और ज्यादा इसके बारे में गहराई से पता चलेगा। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आप बोल सकते हैं इसका हिंदी मतलब एक्सप्लिसिट, जो आपको नजर आए। इज द मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिसोर्सिस यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, जो हमारे रिसोर्सिस लगेंगे कोई चीज को बनाने में और उन पर खर्चा आएगा, मनी लगेगा, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। और इस कॉस्ट को पेड आउट कॉस्ट बोलते हैं, एक्सपेंडिचर कॉस्ट बोलते हैं, और ये आउटले कॉस्ट भी उसको बोला जाता है, जो एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि इमीडिएटली हमें पेमेंट करनी पड़े। तो जब आप इंप्लिसिट कॉस्ट देखेंगे तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और समझ में आएगा। इंप्लिसिट छुपी हुई इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ अर्न्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज व्हिच इफ एम्प्लॉयड एल्सवेयर वर बीइंग पेड, कि आमतौर पे होता क्या है, फैक्ट्री में जो मालिक होता है, मालिक के रिश्ता, मालिक के घर वाले हैं, वो काम करते हैं और उनकी जो कॉस्ट होती है आमतौर पर काउंट नहीं की जाती। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो कहीं दूसरी जगह पे काम करते तो उनको पैसे मिलते, आप बोल सकते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है कहीं कहीं। दीज इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और भी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि उसने जो पैसा लगाया, अब ये पैसा और कहीं लगाता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, लेकिन उसने अपने यहां पर लगा लिया। रेंट, अगर उसकी खुद की बिल्डिंग है, अगर वो किसी किराए पर देता तो ऑब्वियसली उसको रेंट मिलता, लेकिन अब वो खुद की बिल्डिंग है और उसका जो मैनेजरियल स्किल्स है और कोई एम्प्लॉयमेंट होता तो उसको पैसे मिलते। तो जो ये जो वाली चीजें होती है जहां पे एक्चुअल में आपको ऐसे पैसे तो नहीं देने पड़ रहे, लेकिन कहीं की ये कॉस्ट अपने आप में इंक्लूड है, दीज आर नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट, इसको बोलते हैं नॉन एक्सपेंडिचर कॉस्ट या इनपुटेड कॉस्ट भी बोलेगी इसको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इसका एक एग्जाम्पल है, मतलब कि ये कॉस्ट इंप्लिसिट होती है। अगर ये और कहीं पे आपको इसकी अपॉर्चुनिटी और किसी को दी जाती, मतलब कि कैपिटल को और कहीं पे लगाया जाता तो आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, अब एक छुपी हुई और जो सरेआम, इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों कॉस्ट को बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट, सभी को इकोनॉमिक कॉस्ट होगी फिर ये। अब आता है सोशल कॉस्ट कौन सी होती है। These are the costs that arise due to the production of the firm, but they are not borne by the firm, but they are borne by the society. फर्म को शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़े, एक प्लांट चल रहा है और उससे पॉल्यूशन हो रहा है, समाज को फर्क पड़ेगा, उसको नहीं पड़ेगा, लेकिन जरूर समाज पे कॉस्ट आएगी इसकी, सोशल कॉस्ट हुई हो, हालांकि फर्म उसको कुछ नहीं दे रही शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। These costs include use of natural resources freely available, पानी यूज किया जा रहा है, वायु यूज की जा रही है और वो फ्री है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सिस है, प्रकृति की देन है, प्रकृति की कॉस्ट है, समाज की कॉस्ट जरूर है, वो इंक्लूड हो रही है।
This utility created in the process of production. आप बोल सकते हैं कि जो आलतू फालतू की चीजें हैं वो क्रिएट हो रही है प्रोडक्शन में, पॉल्यूशन के रूप में इसका एग्जाम्पल ले सकते हो. दीज कॉस्ट टूगेदर कंस्टिट्यूट सोशल कॉस्ट, ऑल्सो टर्म्ड एज एक्सटर्नल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट को एक्सटर्नल कॉस्ट बोलेंगे क्योंकि सोशल कॉस्ट उस फर्म को नहीं बियर करनी पड़ रही, समाज को बियर करनी पड़ रही है. एग्जाम्पल इज द केमिकल फैक्ट्री डिस्चार्जिंग इट्स वेस्ट इन द रिवर. एयर पोल्यूशन क्रिएटेड बाई चिमनी ऑफ द फर्म. रिसोर्सेज यूज्ड आर एटमोस्फेयर रिवर लैंड. इन एटमोस्फेयर को अगर गंदा करेंगे समाज को अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा, समाज को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बोझ होगा. एक होती है रियल कॉस्ट, और ये रियल कॉस्ट का देखते हैं. एफर्ट्स पेन एंड एक्सर्शन ऑफ लेबर अलोंग विद वेट एंड एब्सेंटिनेंस रिक्वायर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर फॉर सेविंग द कैपिटल यूज्ड इन मेकिंग कमोडिटी. कि एक कमोडिटी को बनाने के लिए जो कैपिटल लगी है उस कैपिटल का सदुपयोग हो और उससे प्रोडक्टिविटी निकले, इसके लिए बड़े फैट्स की जरूरत होती है. पेन लेना पड़ता है, एम्प्लॉय लेबर के ऊपर प्रेशर होता है और पेशेंस धैर्य रखना पड़ेगा जिससे कि रिजल्ट आए. ये भी अपने आप में एक कॉस्ट है, रियल कॉस्ट. आप बोल सकते हैं एफर्ट्स को रियल कॉस्ट बोल सकते हैं, और ये जो सब्जेक्टिव टाइप की चीज है क्योंकि इसको आपने कम एफर्ट्स किए, दूसरे ने ज्यादा एफर्ट्स किए, इस तरह की एक सब्जेक्टिव सी चीज हो गई. तो ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्शल ने कि कॉस्ट वो भी मानिए आप जिसमें कि पेन आप उठा रहे हैं ताकि ताकि आप अपनी कैपिटल को बचा सको, उसका सदुपयोग हो, उसको रिजल्ट आए, वरना ये कैपिटल बिखर जाएगी. तो रियल कॉस्ट एक्चुअल में वो ही मार्शल के मुताबिक. इंक्रीमेंटल क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीज इन टोटल, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इंडिकेट कर, इंक्रीमेंटल होता है एक्स्ट्रा. तो इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट ऑन एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कॉस्ट. कि हमने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाया 10%, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी उसके ऊपर आई उसको बढ़ाने के लिए. अगर हमने स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट भी इसमें बढ़ी, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट. कि जब आप लेवल के ऑपरेशन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी. दिस कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद द डिसीजन टू एक्सपेंड द आउटपुट और टू एड न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और टू रिप्लेस वर्न आउट प्लांट एंड मशीनरी. नए प्लांट, नया मशीनरी आई है किसी प्लांट में, या फिर कोई टेक्नोलॉजी चेंज आया है, या फिर एक नए मॉडल हमने तैयार किया है, इस तरह की चीज होगी जो एक्स्ट्रा इनपुट दे सकती है, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, उसको हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट में डालेंगे. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट. डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इट डज नॉट अप्लाई टू न्यू फर्म बट जनरली अप्लाई है वो एग्जिस्टिंग फर्म के लिए यूज होगी, क्योंकि नई फर्म में तो सारी ही चीजें वो इंक्रीमेंटल हो गई है. अब आता है फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है. फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी? जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट. आर कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन फर्म विच इज फिक्स्ड इन शॉर्ट रन इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट लेवल. आपने प्लांट लगा लिया, सी आप दो जोड़ी जूते भी बनाए या फिर जो उसकी कैपेसिटी है उतना बनाए, 2000 की मान लो कैपेसिटी है, लेकिन कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट तो सेम आनी है. मतलब कि रेंट है बिल्डिंग का, मशीनों की मिनिमम जो कॉस्ट थी वो, बाकी सब है कॉस्ट है, बिजली है उतनी जलेगी, तो वो फिक्स हो गई है कॉस्ट. इसका मतलब चाहे वो दो चलाए या उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, फिक्स कॉस्ट इतनी ही रहेगी. दीज आर इंक्लूड इन प्रोडक्शन कम्स टू होल्ड. और अगर प्रोडक्शन रुक भी जाता है तो भी, जैसे कि किराया होता है वो तो देना ही होता है. दीज इंक्लूड ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस का खर्चा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी तो होगी होगी, बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ द फर्म एटसेट्रा, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट में आएंगे. फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम लोग जनरल कॉस्ट बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारे उसके अंतर्गत आ जाएंगे. सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है वो आएंगे. अब आता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी. वेरिएबल, एक तो फिक्स थी जो कॉन्स्टेंट थी और एक वेरिएबल. अगर आपने कोई चीज कम बनाई, जैसे कि एग्जाम्पल अगर रॉ मेटेरियल कम यूज हुआ है तो इसका प्रोडक्शन भी कम हुआ है. रिसोर्सिस कम, 10 लेबर का यूज हुआ है तो 70 प्रोडक्ट भी कम बने हो, अगर 1000 लेबर का यूज हुआ प्रोडक्ट ज्यादा बने होंगे, तो ये वेरिएबल होगा. प्लांट्स ये फिक्स्ड कॉस्ट के अनुसार नहीं बल्कि वेरिएबल होगा. दे ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट बोला जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, कि डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो गई है. हमने उनको अगर इनडायरेक्ट बोला है तो ये डायरेक्ट होगा. फिर इट वेरीज विद द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ द टोटल आउटपुट. जितना टोटल वॉल्यूम होगा, आउटपुट होगा, वो उसके अनुसार चेंज होगी, बढ़ेगी. इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि रनिंग कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल.
उसका मेंटेनेंस करने के लिए आप बोल सकते हैं खर्चा आ रहा है फिक्स्ड कैपिटल को, फिक्स्ड कॉस्ट जो एसेट्स है उसको रन करने के लिए, डायरेक्ट लेबर चार्जेस होंगे, कॉस्ट ऑफ ऑल अदर इनपुट दैट वेरी विद द आउटपुट, जो भी आउटपुट के साथ लिंक होगा वो सारे वेरिएबल के साथ में आएगा अगर वो वेरिएबल चेंज हो रहे थे। तो ये वेरिएबल कॉस्ट थी, वो फिक्स्ड कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट कौन सी हो गई फिर? इट इज सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, अगर दोनों को मिला दिया जाए, टीसी टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट की कर्व कैसे बनती है, देखिए मूव्स पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड डीबीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इज फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट। देखो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फर्क क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट का फर्क है। तो ग्राफ है वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी, तो जो ग्राफ होगा टोटल कॉस्ट का वो उसी पैरेलल होगा उसमें जिसमें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल में हो, जैसे ये है तो फिक्स्ड कॉस्ट आप सब जगह पे एक जैसा करके और ऐसे बना सकते हैं कॉस्ट और आउटपुट, तो ये ऐसे बनेगा। स्टार्टिंग में कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, फिर कम हुई और फिर आपने आखिर में ऐसे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ ऐसे बनेगा। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन एट द इनिशियल स्टेज ड्यू टू द लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टार्टिंग में कॉस्ट बहुत थी और उसके बाद है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो एकदम कम होनी स्टार्ट हुई, ये इसका ग्राफ बना हुआ, और उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल अचीव होने के बाद ये कॉस्ट है वो बढ़ेगी, क्योंकि इससे ज्यादा आप कॉस्ट कम नहीं कर सकते। इसका मतलब ज्यादा एम्प्लॉय लगा दिए तो एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी 100% अचीव हो गई, इसके बाद वो फालतू का खर्चा बढ़ेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आपने रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लिया है, मशीन की कैपेसिटी नहीं है, तो एवरेज कॉस्ट आपने बढ़ा दी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन आउटपुट है वो यहाँ पे मैक्सिमम उसका लेवल क्रॉस कर चुकी है, आउटपुट इतनी नहीं बढ़ रही जितनी की उसकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है। इट बिकम्स कॉन्स्टेंट व्हेन फर्म अटेन इट्स फुल कैपेसिटी। एवीसी स्टार्ट टू इंक्रीज ड्यू टू एप्लीकेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इतना अब रिटर्न नहीं आ रहा जो उस गति से कम आएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न। दस एवीसी गेट्स यूज सेफ इन लॉन्ग टर्म। कई बार क्वेश्चन आता है कि एवीसी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसकी सेफ क्या होती है, आंसर होगा यू सेफ। ये सेफ याद रखनी है, क्वेश्चन कई बार सेफ के ऊपर आधारित आता है, ये इकोनॉमिक्स की खास ध्यान रखना आपको। सेफ इज एप्लीकेबल टू एवरेज कॉस्ट करो, और ये तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी, अगर एवरेज वेरिएबल की बजाय पूरी कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट वो भी शामिल होती तो भी ग्राफ है वो ऐसे ही बनता, क्योंकि डिफरेंस क्या था, सिर्फ फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस है, बाकी तो आपका ग्राफ है वो पैरेलली जा रहा है इसके। फिर आता है टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन में देखते हैं, एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन में शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन देखिए, द शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन। देखो जो टाइप्स है कॉस्ट फंक्शन की, वो एक तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम डिस्कस कर सकते हैं और एक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में किस पे डिपेंड करेगा, जो वेरिएबल इनपुट्स है उसकी प्राइस उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है टाइप ऑफ कॉस्ट फंक्शन, बाकी क्या है उसके अनुसार उसका ग्राफ होगा। लेकिन जो रिलेशनशिप है मार्जिनल कॉस्ट की और एवरेज कॉस्ट की वो हम देख सकते हैं, और ये एग्जाम पॉइंट से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसकी कंडीशन से पूछे जाते हैं। बोथ एसी एंड एमसी आर डिराइव्ड फ्रॉम टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट है वो आमतौर पर टोटल जो कॉस्ट है उससे ही हमें ड्राइव करते हैं। टोटल कॉस्ट आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट की कर्व है ये, और ये है एवरेज कॉस्ट की कर्व। सो एट एसी फॉल्स, अगर एवरेज कॉस्ट है वो कम आती जा रही है तो आप बोल सकते हैं जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट जो प्रोड्यूस हो लग रही है, और ये एवरेज कॉस्ट कहां पे, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल जो उसका एवरेज लिया जा रहा है, और ये वेरिएबल से आप कंपोनेंट से रिलेटेड बोल सकते हैं आप, तो उसका ग्राफ है एवरेज कॉस्ट डाउन होगी तो मार्जिनल कॉस्ट भी डाउन हो रही है, और जो मार्जिनल कॉस्ट का फॉल है वो ज्यादा शार्प है, ज्यादा तेज गति से गिरेगा। एमसी कर्व कट्स एसी कर्व फ्रॉम द बिलो एट द मिनिमम, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम कैपेसिटी। ये ऑप्टिमम कैपेसिटी का पॉइंट होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है वो
इस दिशा में एवरेज कॉस्ट लॉन्ग टर्म में फ्लैटेंड हो रही है, जबकि उसका करावा सारा साथ कॉस्ट बढ़ रही है मार्जिन कॉस्ट, लेकिन एवरेज है वो लॉन्ग टर्म में फ्लैटन टाइप है ज्यादा कंपेरेटिवली. व्हेन एसी इंक्रीजेस एवरेज कॉस्ट इंक्रीज एमसी ऑल्सो इंक्रीज बट ए मोर पेस. एमसी रीच इट्स मिनिमम लेवल सूनर देन एसी. एमसी है वो ज्यादा जल्दी पहुंच गई है और बाद में पहुंची है, जल्दी पहुंचती है एमसी एसी की तुलना में मिनिमम लेवल पे. एमसी रीच इट्स मिनिमम लेवल सूनर देन एसी दस द जस्ट बिफोर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एमसी मस्ट बी राइजिंग व्हाइल एसी इज फॉलिंग. यहां पे वो राइज कर रहा है जबकि ये फॉल कर रहा है. एमसी कर्व मस्ट बी बिलो द एसी कर्व. इन दिस केस एमसी कर्व है वो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे है एमसी कर्व, ऊपर है इसके एसी कर्व. और अगर हम उसके लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम उसका देखेंगे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड इसका क्या रिलेशन है, लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट कर्व होती है वो कैसी होती है, इसकी जानकारी लेते हैं हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में. और इस प्रेजेंटेशन में इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन. ऑल द बेस्ट.